हे एवरी वन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अवर चैनल गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आई पी एल आज हम आई पी एल के बारे में पढ़ेंगे देखिए आई पी एल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अभी आई पी एल हुए हैं तो आपको पता है जिसमें भी स्पोर्ट करेंट अफेयर्स आती है जिस भी एग्जाम में या जिस भी एग्जाम में या जिस भी एग्जाम में जीएस आती है उसमें इससे क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं क्योंकि अभी अभी हुआ है तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और देखिए आईपीएल अभी आई रेट ग्रेड का एग्जाम आने वाला है उसमें आपको पता है जीएस आती है तो हो सकता है उसमें से भी कोई उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए जीएस में भी ठीक है तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी हुआ है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं मैंने आपको बताया इस वीडियो में ठीक है तो इस लेक्चर को पूरा देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा आई चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखेंगे आई पी का फुल फॉर्म क्या होता है आई का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग क्या होता है इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म है ये पूछा जा सकता है आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बता दोगे इंडियन प्रीमियर लीग ठीक है एक क्लियर हो गया आपका और आप देख रहे हो आप लीग लिखा है लीग मतलब ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं ये लीग फॉर्म में होते हैं ठीक है थीके? इसका जो फॉर्मेट होता है वो लीग फॉर्मेट होता है अब इसको बोला क्या जाता है ऑफिशियली नोन टाटा आईपीएल। इसको जो ऑफिशियली बोला जाता है वो टाटा आईपीएल बोला जाता है इसके फाउंडर कौन है आईपीएल के आईपीएल को किसने फाउंड किया था कौन कौन है इसके फाउंडर तो बीसीसीआई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर काउंट फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया पी सी सी आई इसके फाउंडर हैं ठीक है थिक्या? इस गेम का फर्स्ट एडिशन कब हुआ था या इसको फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड कब किया गया कब एस्टेब्लिश हुआ था आई पी एल टू टू थाउजेंड एट में हुआ है कब हुआ है टू थाउजेंड एट में इसको एस्टेब्लिश किया गया था इसका टूर्नामेंट फॉर्मेट क्या होता है मैंने बताया था राउंड रॉबिन जिसको लीग कहते हैं एंड नॉकआउट फॉर्मेट दोनों फॉर्मेट में होते हैं राउंड रॉबिन फॉर्मेट में भी होते हैं और नॉकआउट फॉर्मेट में भी होते हैं और इसमें नंबर ऑफ़ टीम्स कितनी होती हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स ओनली टेन होती हैं टेन टीम होती हैं तो आप लोग बताना अगर टेन टेन टीम्स होती हैं तो अगर राउंड रॉबिन फॉर्मेट से होता है तो टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस कितने होंगे ठीक है ये आप मुझे बताओगे क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ लीग लीग में कैसे होता है पूरा टोर्ना पूरा टूर्नामेंट का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है नॉकआउट का लीग का आप मुझे दोनों तरीके से बताओगे अच्छा अगर नॉकआउट फॉर्मेट में होता है तो कितने टीम कितने नंबर ऑफ़ मैचेस होंगी और अगर

नेक्स्ट क्या है सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है इसमें मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बार अभी तक विनिंग टीम है सबसे ज़्यादा बार जीती टीम है वो कौन सी है मुंबई इंडियंस है कौन सी है मुंबई इंडियंस है कितने बार जीती है फाइव टाइटल्स जीती है अभी तक फाइव टाइटल्स जीती है कौन सी टीम मुंबई इंडियंस जीती है मोस्ट सक्सेसफुल टीम है और सेकेंड अगर मोस्ट सक्सेसफुल टीम पूछे तो कौन सी है सी यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई सुपर सुपर किंग्स जो है फोर टाइटल्स जीती है अभी तक आई में और सबसे ज़्यादा जीती है मुंबई इंडियंस फाइव टाइटल्स जीती है ठीक है ठीके? सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं अभी तक आई में तो विराट कोहली ने बनाए हैं सिक्स सिक्स टू फोर रन बनाए हैं आई में कितने बनाए सिक्स सिक्स टू फोर बनाए हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम कौन सी है मुंबई इंडियंस बता सकते हो कितने टाइटल्स के साथ फाइव टाइटल्स के साथ क्या हो सकता है पूछे सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है तो सीएस है चेन्नई सुपर किंग फोर टाइटल्स के साथ सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाया विराट कोहली ने बनाया दैट इज सिक्स सिक्स टू फोर रन ठीक है मोस्ट विकेट सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए है डी वा ने, ने ब्रावो ने दिए हैं किसने दी हैं डी वे ने ब्रावो ने लिए हैं वन एटी थ्री विकेट्स लिए हैं कितने 183 एटी थ्री विकेट्स लिए हैं किसने ब्रावो इनको ब्रावो के नाम से जाना जाता है लेटेस्ट जो एडिशन जो अभी जो हुआ था आ, आई वो कब हुआ था 2022 में हुआ है कब हुआ है टू में हुआ है जो आपको पता होगा इस संडे में जो हुआ था आ, फाइनल था जिसमें कौन सी टीम चैंपियन रही है गुजरात टाइटंस रही है और आपको पता होगा इस बार दो टीम नई आई थी गुजरात टाइटंस और लखनऊ तो आपको और लखनऊ लखनऊ जो है फोर्थ नंबर पर रही थी करंट चैंपियन जो रही है वो गुजरात टाइटंस रही है ठीक है रनर अप कौन रही है किसके साथ मतलब सेकंड पोजीशन किसकी थी रनर अप मतलब होता है सेकंड पोजीशन किसकी थी जिसके साथ फाइनल हुआ था तो राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ था रनर अप रहे हैं राजस्थान रॉयल्स और करंट चैंपियन रही है, है गुजरात टाइटन्स अब आपको पता लगना चाहिए पर्पल कैप ऑरेंज कैप किसको मिली है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस जीएस में भी पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि इस बार पर्पल कैप किसको मिली है तो युजवेंद्र सिंह युजवेंद्र चहल को मिली है 27 विकेट्स के साथ इन्होंने 27 विकेट्स लिए हैं युजवेंद्र चहल ने इनको पर्पल कैप मिली है ऑरेंज कैप किसको मिली है गाइस ऑरेंज कैप को पता होना चाहिए जोस बटलर को मिली है सबसे ज्यादा रन जो बनाते हैं इस आईपीएल इस टूर्नामेंट में तो उनको कौन सी कैप मिलती है ऑरेंज कैप मिलती है जो कि जोश बटलर को मिली है और आपको बता दूं कि... और जो लास्ट क्वेश्चन है वो बन सकता है इस बार जो आल, जो फाइनल हुआ था आईपीएल का वो किस स्टेडियम में हुआ था तो आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है पूछ लिया, पूछा जा सकता है और इससे दो बेनिफिट हैं एक तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि जो कहाँ पर हुआ था ऊपर से आपको ये पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है अहमदाबाद में ठीक है तो जो फाइनल मैच हुआ था गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था और आपको इससे यही पता लगता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है अहमदाबाद में तो गाइज ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए जो हो सकता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है थीके? तो आज की वीडियो के लिए देखिए इतना है और क्या करिएगा आप लोग कि इसको देखिए जैसे कि एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा जो भी मैंने बताया है सबसे देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है ये पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा रनस किसके हैं ये भी इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट सॉरी करंट चैंपियन कौन है आपको पता होना चाहिए रनर अप कौन है पर्पल कैप ऑरेंज कैप ये कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल पूछे जा सकते हैं बहुत चांसेज हैं इनको पूछे जाने की और इसको बस इतना तैयार कर लीजिए इसमें है सही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे और देखिए अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मतलब नेक्स्ट वीक से जो वीडियो आएंगे वो योगा पर आएंगे योगा में आप लोग मुझे बस इतना हिंट कर देना कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है या फिर कुछ कुछ पता है तो मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ा दूँ आपको थोड़ा सा मुझे हिंट कर देना कि कैसे पढ़ना चाहते हो आप लोग जैसे कि देवाशीष आपको पढ़ना है आप बहुत बार मैसेज कर चुके हो कमेंट कर सकते हो करे हो मुझे कि मैम मुझे योगा बता दीजिए योगा का पूरा तो मुझे थोड़ा सा हिंट देना कि योगा में बिल्कुल बेसिक से चलना है या थोड़ा सा आपको पथहेंट है थोड़ा बहुत मैं और हिंट दे दूँ क्योंकि एक्चुअली यो योगा में कैसे थोड़ा सा बताना थोड़ा सा आपको देखो अगर आप मुझे बस थोड़ा हिंट देना फिर मैं अपने आप से समझ लूँगी कि मुझे कैसे बताना है ठीक है ना तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आई पर ये मुझे कॉमेंट करके बताना और भी वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहिए शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए एजुकेशन यूट्यूबर को वैकेंसीज पक्का आ रही है एल टी टीजीटी जी टी की कन्फर्म आ रही हैं तो अपनी तैयारी को रखिए और फिजिकल एजुकेशन पॉइंट से जुड़िए क्योंकि वो ना बहुत कोशिश कर रहे हैं बी की वैकेंसीज़ के लिए तो मैं आप सबसे कहूंगी कि आप लोग प्लीज़ उनके साथ जुड़िए और अपनी ही वैकेंसी आनी है बी की तो देखिए वैकेंसीज आती तो टीजीटी में बहुत कम आती हैं लेकिन लास्ट टाइम आपने देखा था फोर फिफ्टी समथिंग कुछ वैकेंसी थी तो इसलिए आप उनको भी सपोर्ट करते रहिए ताकि वो भी कुछ अच्छा कर सकें बी पी के लिए तो उनको भी सपोर्ट करिए जो भी जुड़े हैं अपने चैनल से वो उनको भी सपोर्ट करिए ताकि आपका भी अच्छा हो सके ठीक है ना तो चलिए आज की वीडियो में इतना था नेक्स्ट वीडियो से आएगा और जो अल्टरनेट मतलब डे आफ्टर टमोरो जो वीडियो आएगा वो फिर से वन वर्ड क्वेश्चन पर आएगा और आज के लिए इतना है टॉपिक में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिए मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करिए और पढ़ते रहिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय